ओए पकड़ लिया भाई ने, नहीं जाने दिया भाई। रचित भी बेचारा इंजर्ड हो गया और अमित भाई भी इंजर्ड हो गए। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। हमारे साथ है अमित भाई। बताइए कहाँ जाने वाले हैं आज? हम जाने वाले हैं अभी नोएडा, नोएडा स्टेडियम कबड्डी खेलने। कबड्डी खेलने। और अमित भाई ना अभी एक चीज कह रहे थे, अमित भाई यहाँ पर तुम्हें कौन दिखा? पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। इसके ब्लॉग में एक अंकल दिखे थे, वो ऊपर बैठे हुए थे, अभी वहीं पर बैठे हुए दिखा तो। ये देखो भाई, वो अंकल वही खड़े रहते हैं, ये वाले अंकल। ये जिंदगी इनकी यही बीत जाएगी है। तेरा बाइक कहाँ से, कहाँ चोरी हुआ था? मेरा बाइक यहाँ से चोरी हुई थी भाई, यहाँ से चोरी हुई थी, ये यहीं खड़ी रहती थी मेरी बाइक। अभी अभी देखो चैन वैन बांध के खड़ी करता हूँ मैं। चोरी होने के बाद भाई कैमरे लगवा रखे हैं। रोज साफ करनी पड़ेगी तुम्हें, रोज साफ करनी पड़ेगी। स्क्रैच इतना जल्दी होता है, व्हाइट देख कुछ स्क्रैच हो गया पता नहीं चलता। हाँ ब्लैक में स्क्रैच हुआ तो दिख जाएगा, साफ दिखेगा तुम्हें, पता लगेगा। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं स्टेडियम में। ये हमें तो भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैच कर रहा हूं भाई मैं, पर कहां पर आ तो गए, किधर घुस रहे हैं गाइस। हमें तो आएगा कबड्डी मैच है, देखने में मजा आएगा, देखते हैं। अभी भाई जो सांस रोकने के लिए क्या बोला, क्या 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 बोलोगे भाई? मेरे को ये जानना है, मैंने कभी कबड्डी खेला ही नहीं भाई, मेरे को बस इतना रूल्स पता है कि अंदर जाना है टच करके अपने एरिया में आना, नहीं तो वो भी तो करना पड़ा, हूं तो बोल रहा एक बार सांस नहीं रोकनी होती गाइस। चलो अबे हाँ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है यार यहाँ पर आया हूँ मैं, यार पता नहीं गाइस ऐसा क्यों लग रहा है, इस वाले उसमें आया हूँ मैं स्टेडियम में। गाइस अभी एक चीज देखो, अमित भाई की सबसे बेस्ट चीज है अमित भाई की ड्रेस में जर्सी नंबर 420 रेड भी नहीं मार पाएंगे अपने ऑपोजिशन टीम को देख के। अभी भाई ओपोनेंट टीम में देखो, वो देखो कौन बैठा होगा, मिडफील्ड भाई, और ये सोच रहे स्काउट भी है लो उस टीम में, स्काउट भी है और सोच रहे हैं अमित भाई जीत, अमित भाई जीत रहा है यार। तू मत बोलियो। बहुत ज्यादा भारी नहीं जा रहा भाई मेरा, भाई देख तो मिडफील्ड भाई वैसे ही इनकी टीम इतनी स्ट्रांग है, ऊपर तो पैसे और खिला रहे हैं। अमित भाई जा रहे, क्या लगता है पॉइंट मिलेगा? अमित भाई बिना पॉइंट लेकर वापसी आ गए हैं। लगता
के पैर पे। तब तो समझा के अमित भाई को क्या करोगे, लगता है अमित भाई पॉइंट लेकर आएंगे इस बारी। उस स्ट्रेटेजी से पॉइंट ले पाते हैं नहीं भाई। वैसे अमित भाई की जर्सी का नंबर तेरे को पता ही है क्या है? 420। तेरे को क्या लगता है अमित भाई पॉइंट लेंगे इस बारी? ओए पकड़ लिया भाई ने, नहीं याद नहीं दिया भाई, ओए लीड गए। अमित भाई को दबोच दिया इस बारी। गाइस अमित भाई को मैक्सन ने पकड़ा है। सेम बेचारे हमारे अमित भाई इंजर्ड होते हैं, ऐसी गंदी लगी है इनकी रेड टीम इंजर्ड ही होती जा रही है। रचित भी बेचारा इंजर्ड हो गया और अमित भाई भी इंजर्ड हो गए। रचित का मतलब पैर टूट गया है, लेकिन बंदा भाई उसको कहते हैं मेहनत। अरे भैया आपका नंबर है, आपने क्यों लिया नंबर? अरे भाई ऐसा नंबर क्यों लिया मैंने? और बहुत बढ़िया खेले भाई, मजा आ गया पूरा। हार्ड ट्राई है जान लगा दिया भाई। सबसे टॉल प्लेयर न्यू टीम के भाई, तगड़ा ही मेरे को लगा था एक तरफा मैच ले जाएंगे, लेकिन टक्कर दी मेरे को। खेलना ही नहीं आता, खेलना नहीं आता तब भी बहुत अच्छा खेल। तो भाई लक्ष्य भाई से लास्ट टाइम भी मिले थे एलवी फैन के मीटअप पे, लक्ष्य भाई भी मतलब जाटी है। घंटों से भाईचारा होता है, बहुत अच्छा खेले भाई। बट क्या बोलते हैं बीच में निकाल दिया, कमेंट भी कमेंट लग गया चीटिंग हो रही थी, तो मुझे रेफरी बनना पड़ा। और जाटी रोक सकते हैं, जाटी बनते रेफरी यहाँ होगा सबको जाटी मेरा फैसला। चलो भाई भाई पुरानी यादें ताजा हो गई हैं भिक्षु। बस अभी सिंगल। अरे वो भी चला देते हैं अभी, वो भी चलेंगे गाइस अभी, पुरानी यादें ताजा हो गई। उस दिन भी 6 बंदे बैठे थे, आज भी 6 बंदे बैठे गाड़ी में। मजा आया भाई, इवेंट बहुत सही था। भिक्षु ने भाई देखो अपना 100% दिया पूरा। मैंने यार अमित भाई तुमने तो पॉइंट लिए भाई, तुम्हारी तो टक्कर ही नहीं है। स्काउट को नहीं रोक पा रहे थे, स्काउट एक्टिव भी था और सॉलिड भी था, और जीतने के लिए खेलना था मेरे को ऐसा लग रहा था शुरू से। कोई नहीं, बहुत बढ़िया खेला स्काउट ने भी, बहुत बढ़िया सबने, बहुत बढ़िया खेला भाई, अपना पूरा एफर्ट दिया। हमारे बेचारे रचित की डिसलोकेट हो गई टांग गाइस, हाँ ज्यादा नहीं आया, कोई नहीं, बस स्वेलिंग आ गई है काफी, वो हो जाएगा 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया भाई, लेकिन भाई उसके एफर्ट्स पूरे रियल थे भाई। उसके बाद भी पैर पे लगने के बाद भी वो अपने ऑडियंस को भाई बाय बोलने आया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा गाइस इवेंट में आकर, मजा आ गया भाई। देखो गाइस अमित भाई को आज ही मोटा कर देंगे एक ही दिन में, अमित भाई भिक्षु भी साथ में मोटा हो जाएगा। भाई के राज में
क्या हो गया? अरे काला काला क्या निकल गया? कीड़ा लग गया क्या इसमें? अरे जल गया होगा तो कोल्ड ड्रिंक भी आ गए अपने। अमित भाई रजत दलाल थोड़ी हैं जो मैकडी ला दे। लो भाई भिक्षु को गाइस बाय बोलते हैं। आधी रह गई अपनी स्टोरी। चलो भाई अमित भाई बाय बाय। चल भाई मिलते हैं, आ जाओ बाहर ही आ जाओ। चलो गाइस अमित भाई को लास्ट टाइम बाय बोलते हैं। चलो मिलते बहुत बढ़िया होटल में जाके सोएंगे और हम भी घर जाके सोएंगे। अब बहुत हो गए, थक गया हूं, नींद लग रहा है। आई होप करता हूं आपको ब्लॉग पसंद आया। तो ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ सभी को गाइस बाय बाय लव यू ऑल। बाय 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 सांस ले लो।